हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधे राजपूत और आप देख रहे हैं श्री धौलागढ़ इंटरनेशनल। श्री धौलागढ़ इंटरनेशनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहली बात, हम सबको कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि डट के उसका मुकाबला करना है। दोस्तों, वीडियो को लंबी ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोरोना के क्या क्या लक्षण होते हैं। नंबर एक, बुखार आना। नंबर दो, खांसी या कफ आना। नंबर तीन, श्वास लेने में तकलीफ होना और गला खराब होना। नंबर चार, सिर दर्द होना और बॉडी में कमजोरी आना। तो दोस्तों, ये थे कोरोना वायरस के लक्षण। तो दोस्तों, हम सीधे सीधा दूसरी बात पे आते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें। नंबर एक, अपने हाथों को साबुन से साफ करें या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। नंबर दो, हमें नाक, मुंह और आंख को बार बार नहीं छूना। यदि हमारे हाथों पर कीटाणु लगे होंगे तो हाथों के द्वारा नाक, मुंह और आंख में जा सकते हैं। नंबर तीन, खांसी या छींक आने वाले व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखिए। नंबर चार, जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो सीधे छोटे बच्चों के संपर्क में ना आए। नंबर पाँच, किसी से हाथ मत मिलाइए। नंबर छः, बाहर जाते समय मास्क या रुमाल का उपयोग करिए। एक बात और, उपयोग किए हुए मास्क और रुमाल को गर्म पानी से वॉश करना ना भूलें। दोस्तों, अब हम आते हैं कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या ना करें। नंबर एक, कृपया पब्लिक पैलेस पर ना थूकें। नंबर दो, जहां तक हो सके यात्रा करने से बचें या बिना कारण के बाहर ना निकलें। नंबर तीन, कृपया बुजुर्ग लोग घर से बाहर ना निकलें। नंबर चार, यदि किसी को खांसी, जुकाम या बुखार है तो अपने नज़दीक की डॉक्टर से दवाई लेना ना भूलें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ आप राधे राजपूत को दीजिए इजाज़त और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और सावधान रहिए।